नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी एम्स में एडमिट है। बीती शाम उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से वह कोरोना संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में थे, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है जिसकी वजह से उन्हें पटना एम्स में एडमिट कराया गया है। पिछले एक हफ्ते से वो कोरोना संक्रमित हैं। साथ ही साथ कल शाम 13 नए कोरोना संक्रमित मरीजों को पटना एम्स में एडमिट कराया गया था, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टर ने बताया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार है। उन्हें कल बीती शाम को एम्स में एडमिट कराया गया, जिसके बाद उनका सीटी स्कैन किया गया है। अभी उनकी तबीयत में सुधार है। वहीं बिहार में बात करें तो बीती 24 घंटों में 599 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से मात देने वाले 584 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी तरह बिहार में कोरोना पॉजिटिव संख्या जो है वो घट के 4,976 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बिहार में 57.84% हो चुकी है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।